हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज हम लोग इस वीडियो में नीट 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए होने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पब्लिक नोटिस है जो कि 9 फरवरी 2024 को ये रिलीज़ किया गया है। एंड मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो 12 फरवरी को, थोड़ा सा डिले है, बट इस वीडियो में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आप इसके थ्रू बीएससी नर्सिंग में कैसे जा सकते हो एंड कौन से कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन सीख करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डिटेल है हम लोग बेसिक डिटेल उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुकी है, इसके साथ साथ आप फॉर्म भी फिलआउट कर सकते हो। और मैं बेसिक डिटेल बता देता हूँ जो कि एडमिशन होने वाला है। MBBS के अलावा कौन से कोर्सेज में एडमिशन होने वाली है नीट 2024 के थ्रू। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दैट इज़ BAMS, BUMS एंड BSMS एंड उसके साथ साथ आपको BHMS, मतलब कि MBBS के साथ साथ ये चार कोर्सेज में एडमिशन होने वाले हैं नीट 2024 के थ्रू। और राइट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। अभी बात कर लेते हैं ना, दैट एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग भी नीट 2024 के थ्रू कर सकते हैं। एंड क्या रिम्स रांची में भी BSc नर्सिंग के लिए नीट 2024 अप्लाई कर सकते हैं? येस, कर सकते हो, बट ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो सीट्स है ना रिम्स रांची में ऑल इंडिया कोटा से, वो 5 to 6 सीट है। ठीक है, मतलब कि 5 to 6 कैंडिडेट ही नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं रिम्स रांची में। तो मैंने ये डिटेल अभी तक सीक्रेट था, किसी को पता नहीं था। एंड यूजुअली एडमिशन होते थे बट वो आयुष के काउंसलिंग के थ्रू, तो उसके बारे में मैं आगे की इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दैट इज़ MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ठीक है, एस्पायरेंट सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग बीइंग कंडक्टेड एट आर्म फोर मेडिकल साइंस सर्विस हॉस्पिटल फॉर द 2024। तो जैसा कि आर्म फोर मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, बहुत पॉपुलर कॉलेज में से एक है, जहां पर BSc नर्सिंग की कोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी आपको नीट 2024 क्वालिफाई होना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, नीट यूजी स्कोर विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ फॉर द 4-year BSc नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो 4-year सिलेक्शन के लिए, मतलब 4-year को BSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो सिलेक्शन होगा वो नीट यूजी के थ्रू होगा। और ये किस कॉलेज के लिए, स्पेशली जो ये कॉलेज है MNS, मतलब कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसके अंदर चार कॉलेजेस आते हैं, एक पुणे का ही नहीं है, चार कॉलेजेस है, आई एम नॉट श्योर, 4 से 5 हो सकते हैं। यस, तो वो 5 कॉलेज है जहाँ पर नीट यूजी के थ्रू BSc नर्सिंग के क्लासेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न इन लोगों ने बता रखा है, जो कि सबको पता रहता है नीट यूजी 2024 के लिए जो पैटर्न है वो देखो। तो 200 मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बॉटनी एंड जूलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन जो रखा है वो 200 मिनट, मतलब कि 3 घंटे 20 मिनट। एंड जो एग्ज़ाम का टाइमिंग दे रखा है वही पुराना हमारा, 2 PM to 5:20 PM। राइट, एंड ये था बेसिक डिटेल। अभी यहाँ पर नीचे जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आपको देखिएगा ऑनलाइन सबमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल के बारे में। तो लास्ट डेट, मतलब कि डेट जो देख रखा है यहाँ पर, देख सकते हो, 9 फरवरी to 9 मार्च, मतलब कि सॉरी 9 फरवरी to 9 मार्च, तो 1 month का टाइम मिल रखा है। एंड लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, जो फी ट्रांजेक्शन है ना, वो 9 मार्च तक ही इन लोगों ने वैलिड रखा है। ये डेट इंक्रीज होगा, ठीक है, 99% श्योर है दैट की डेट इंक्रीज होगा। एंड करेक्ट इन पार्टिकुलर्स, जो भी आपका मिस्टेक है ना वो आप कब सही कर पाओगे उसके डेट के बारे में यहाँ पर वेबसाइट में जल्दी नोटिफिकेशन एक और आने वाला है। ठीक है, फी पेएबल, फी कितना रहने वाला है नीट 2024 का, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जनरल वालों के लिए 1700 है, एंड OBC EWS वालों के लिए 1600 है, एंड SC ST PW वालों के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ी रहने वाला है नेट 2024 का। यहाँ पर आप देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ द CTF एग्जामिनेशन, जो कि जल्दी वेबसाइट में देखने को मिलेगा, एंड NTA भी जल्दी वेबसाइट, मतलब कि एडमिट कार्ड है वो भी वेबसाइट के अंदर जल्दी नोटिफाई कर दिया। एग्जामिनेशन का डेट इन लोगों ने कन्फर्म कर रखा है, दैट इज़ 5 मई, जो कि संडे को है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो कि 200 मिनट। ठीक है, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 200 मिनट रहने वाला, टाइमिंग वही 2 to 5:20 PM। एंड यहाँ पर सारे जो सेंटर वेंटर आने वाले हैं वो वेबसाइट के अंदर जल्दी अनाउंस किए जाएंगे। और यहाँ पर 2 लिंक इन लोगों ने दे रखा है, एक NTA.ac.in एंड एक exam.nta.nic.in, इन पर क्लिक करके आप बेसिकली फॉर्म को फिलआउट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज आई एम इन द बोर्ड,
ठीक है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि नीट 2024 का था वो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी डिटेल है वो जल्दी आपको और भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप चैनल को मेक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।